नमस्कार, भारत फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं पुनीत। मेरे साथ हैं निर्भया दोषियों के वकील डॉक्टर एपी सिंह। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है भारत फोकस में। सर, आपसे सीधा सवाल मेरा, अगर आपको वकील मानकर बात न करें तो आपको ये नहीं लगता कि देश के कानून में काफी बदलाव की आवश्यकता है? देश के कानून, क्या कानून की देवी की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है वो खोलने की जरूरत है? मैं उससे भी बड़ी बात कह रहा हूं। अभी तो हम भारत के संविधान के अनुसार चल रहे हैं, आर्टिकल पे चल रहे हैं, आईपीसी पे चल रहे हैं, सीआरपीसी पे चल रहे हैं, जेएनएल पे चल रहे हैं, लेकिन जो आमूल चूल जो हमारे देश की कानून की देवी है, जिसको कानून की देवी मानते हैं, कहते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उस पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? वो खुलनी चाहिए। और वो जब तक नहीं खुलेगी तब तक मैं मानता हूं गरीबों, दलितों, शोषितों और पीड़ितों, मजदूरों को न्याय मिलना बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। बिल्कुल सर, जो कानून के आप बदलाव कर रहे हैं, बदलाव की बातें बहुत, मोदी जी बहुत बदलाव कर रहे हैं, बहुत कानून में बदलाव किया है और भी अब कानून में बदलाव होगा। ये चीजें जो सामने आई हैं, इस मामले को लेके आई हैं, और वास्तव में ये केस शुरू से ऐसा रहा है, जब 2012 में ये केस हुआ उसके बाद से पॉक्सो कानून आ गया, नया रेप ला गया, अमेंडेड रेप ला गया, सदन चल गई, रात में संसद चलती रही, वो भी जल्दबाजी में था, वो जल्दबाजी में। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कानून में बदलाव करें, लेकिन जल्दबाजी में जब आप कानून में बदलाव करेंगे उनका दुरुपयोग आज आपको 7 साल बाद दिखने को मिल रहा है। आज बलात्कार के केसों का दुरुपयोग हो रहा है, बलात्कार के कानून का दुरुपयोग बहुत तेजी से हमारे समाज में हो रहा है, जिससे हमारा समाज टूट रहा है। स्त्री और पुरुष के बीच जो खाई बन गई है, खाई बढ़ती जा रही है, महिलाओं की मौत होने लगी, महिलाओं की हत्याएं शुरू हो गई, ये इस कानून की वजह से हुई, क्योंकि कानून को इस तरह से बनाया इसलिए महिलाओं की हत्याओं की प्रक्रिया तेजी से बढ़ गई, इसका परिणाम है। लेकिन सर, आपके केस में तो बिल्कुल देरी नहीं हुई है, बहुत बिल्कुल जल्दबाजी नहीं हुई है, बहुत देर हो गया, लगभग 7 साल का वक्त बीत गया। नहीं 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 नहीं, इसमें तो बहुत जल्दबाजी हुई, केवल यही ऐसा इकलौता पूरा देश का केस है जिसकी 7 दिन में चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट का रिजल्ट आपको दिख रहा है, बाद में टीआईपी जबरदस्ती कराई गई, जाके मजिस्ट्रेट के सामने जेल में टीआईपी कराई गई, 35 साल का रहा हुआ लॉ ऑफिसर बोल रहा है इस बात को कि टीआईपी जो 35 साल में नहीं वैसी हुई, टीआईपी वैसी हुई, 7 दिन में चार्जशीट फाइल हुई, डे टू डे हियरिंग इस केस की सुनवाई साकेत कोर्ट में मैंने की, स्टार्टिंग से डे टू डे हियरिंग सुनवाई में मैं रहा, इसी केस की दिल्ली हाई कोर्ट में डे टू डे हियरिंग सुनवाई हुई, इसी केस की सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और आज भी आप देखते हैं इस केस से संबंधित कोई भी पिटीशन अगर सुबह को फाइल होती है, हम क्या करते हैं, हम अपने केस 6 केस फाइल होने, 8 केस फाइल होने, इकट्ठा हमारा जाता है और जाता लेके 8 केस फाइल हो जाते हैं। 8 केस में 7 केसों की कोई पूछ ही नहीं होती है, उनके क्यों डिफेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो कहीं नहीं पड़े रहते हैं, लेकिन एक केस अगर निर्भय से जुड़ा हुआ है तो वो 10 बजे अगर फाइल होता है तो 11 बजे वो बोर्ड में चला जाता है, 11:30 बजे उस पर नोटिस हो जाते हैं और 12:30 बजे सुनवाई हो जाती है और 2 बजे उस पर जजमेंट आ जाता है। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। ये जस्टिस हरीन जस्टिस बरीन, अगर आप जल्दबाजी में न्याय की परिकल्पना चाहते हैं तो आपका न्याय दफन होगा। न्याय के लिए समय जो है निर्धारित था, इस केस में इस सेक्शन में 90 दिन का टाइम किस लिए दिया गया था? अगर 7 दिन में चार्जशीट आ जाती है और डिसीजन हो जाता है तो 90 दिन क्यों संविधान ने दिए, क्यों सीआरपीसी में 90 दिन दिए गए, क्यों आईपीसी में 90 दिन दिए गए? जब 90 दिन अगर 90 दिन के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, जांच होती, तो ये मुलजिम नहीं पकड़े जाते। हाँ, असली मुलजिम पकड़े जाते, असली बस पकड़ी जाती, असली दोषी पकड़े जाते, फिर ना हमें सीबीआई जांच कराने की मांग की बात करनी पड़ती, ना फिर टीआईपी गलत कराने की बात पड़ती, ना फिर अभिनंदन पांडे को पैसे ले लेके गवाही देने की बात करनी पड़ती, ना फिर जल्दबाजी में इस तरह न्याय के 16.5 साल जो घटना में बच्चा था पवन कुमार गुप्ता, 16.5 साल के बच्चे को फांसी देने की बात आती मौके पर। ये बात मैं सर आपके एक जवाब के बारे में पूछना चाहूंगा कि आप वो बस आप कह रहे हैं कि वो सही नहीं पकड़ी गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की थी। ठीक उसी तरह से हुआ जैसे रयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गुड़गामा में केस हुआ था, उसमें ड्राइवर को दोषी बना दिया गया, हत्यारा बना दिया गया, कन्फेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, डिस्क्लोजर हो गया, स्वीकार कर लिया, मोमबत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती सब कुछ जलने लगा,
फांसी 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 चिल्लाने लगे उसके लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ जब सीबीआई जांची, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, नहीं इस देश में कहां सीबीआई जांच होती। संत रामपाल के समर्थक 6 साल हो गए सीबीआई जांच की मांग करते करते बूढ़े हो गए और उनकी सीबीआई जांच नहीं हो रही। वो तो गुड़गामा रयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल वाले में सीबीआई जांच हो गई तो ड्राइवर निर्दोष साबित हुआ और असली मुलजिम सामने आ गया। नहीं, आपकी मीडिया, आपके चैनल, आपके लोग, आपके ये लोग जो एनजीओ संगठन मोमबत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती लेके आरती उतारने पहुंच गए थे, फांसी दो फांसी दो फांसी दो, ये न्याय नहीं सर। लेकिन आपके कानूनी पेज बहुत सारे हैं और आप लगातार दोषियों को बचा भी रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर अब दोषियों को आप किस आधार पर दोषियों को फायदा मिल रहा है आपके कानूनी पेज से? नहीं नहीं, भारत का संविधान है, देखिए आप सबके लिए वो कानूनी पेंच हो सकते हैं, एपी सिंह के पैंतरे हो सकते हैं, डॉक्टर एपी सिंह की नई चाल हो सकती है, नई साजिश हो सकती है, नया प्लान हो सकता है, नया हो सकता है। 7 साल बीत गए, लेकिन लेकिन मैं भारत के संविधान को केवल किताब नहीं मानता हूं, भारत की संविधान हमारे देश की मेरी सबसे पवित्र पुस्तक है। गीता रामायण उपनिषद वेद पुराण अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत की संविधान से पवित्र पुस्तक कहीं कोई है नहीं, और मैं उसे नमन करता हूं और उसके उसको गढ़ता हूं, पढ़ता हूं, मन में रखता हूं, और उन्हीं के आर्टिकल के आधार पर हमारी पिटीशन होती है, सीआरपीसी के आधार पर हमारी एप्लीकेशन होती है, आईपीसी के आधार पर हमारा लॉ होता है, जेल मैनुअल के हिसाब से हमारा जेल मैनुअल को हम देखते हैं, कहते हैं उसी आधार पर हमारी एप्लीकेशन होती है और उसी आधार पर कोर्ट मानती है, कोर्ट मान के ऑर्डर कर देती है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सैटरडे और संडे को हाई कोर्ट खुलवा देते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, वो उससे भी संतुष्ट नहीं होते, पटियाला हाउस कोर्ट हमारे हक में फैसला करता है, दिल्ली हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करता है, सरकारें नहीं मानती, उन्हें चुनावी राजनीति करनी होती है। सर सर सर, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, एक छोटा सा, कानून और संविधान को एक तरफ रखते हैं, माना मैंने डॉक्टर साहब ने बहुत सारी किताबें अपने जीवन काल में पढ़ी होंगी, बहुत सारे दाव पेश तो आपको सर किसी से नहीं छुपा है, आप माने या ना माने उससे, लेकिन एक तरफ इन सब चीजों को रख दिया जाए तो क्या इनके फांसी के पक्षधर आप होंगे या नहीं होंगे? नहीं, फांसी का पक्षधर मैं कभी नहीं हुआ, मैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता हूं, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी ने कहा था फांसी की सजा हिंसा है और हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए, इस देश ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में अहिंसा की वकालत की है, 160 देशों ने फांसी की सजा खत्म की है, फांसी हिंसा है, इसीलिए जेल को सुधार गृह कहा गया है, जेल को सुधार गृह बनाइए, फांसी घर मत बनाइए, फांसी पाप की हत्या नहीं करती है, पापी की हत्या करती है, आप पापी की हत्या करना चाहते हैं या पाप को खत्म करना चाहते हैं, निश्चित रूप से अगर आप अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो पाप को खत्म करना चाहिए, फांसी की सजा से पापी खत्म होता है, पाप खत्म नहीं होता है, पाप को खत्म करने के लिए अपने समाज को आप जोड़ना पड़ेगा, और मैंने नहीं कहा, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब, पूर्व राष्ट्रपति देश की महामहिम रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने साफ तौर पे अपने पूरे कार्यकाल में किसी को फांसी नहीं दी, और उन्होंने लिखा कहा एपीजे कलाम साहब ने कि फैब्रिकेटेड एविडेंस, फैब्रिकेटेड चार्जशीट, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स इंट्रोगेशन, फॉल्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन और वॉइस्ड जुडिशरी, इन सब के आधार पर कभी किसी को फांसी नहीं दी जा सकती, जो जीवन देता है वही जीवन लेने का अधिकारी रहे, वो ज्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई फांसी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि फांसी की सजा इस देश में सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए फांसी का फंदा ही नहीं बना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा, उनका अनुभव था, उनके जीवन काल का अनुभव था जो उन्होंने सजोया था, चाहे विभिन्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस रहे, तो उन्होंने बात कही थी, डॉक्टर एपी सिंह नहीं कह रहा, आप एपी सिंह को तो समझ लेंगे डिले टैक्टिक्स कर रहा है, ये भी चीफ जस्टिस को भी कोट करके, लेकिन नहीं, आपको मानना पड़ेगा, उन्होंने कहा था फांसी का फंदा सिर्फ गरीबों के लिए बना है। आप बताइए, उदाहरण दीजिए, आप आजादी से पहले आजादी के बाद कभी किसी अमीर को फांसी दी गई हो? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला को भी उस समय फांसी इसीलिए दे दी गई थी कि वो आजादी के परवाने तो थे, दीवाने तो थे, लेकिन गरीब परवाने और दीवाने थे, आजादी के समय भी अमीर लोग जो थे उन्होंने राजनीति की, सत्ता पर बैठे, प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, और उन्होंने देश को अपने
उसमें कंट्रोल करके चला, फांसी का फंदा उन्हें अंग्रेज भी नहीं। लेकिन उन्होंने किसी लड़की का रेप नहीं किया था। बात लड़की के रेप की नहीं है, फांसी की सजा की बात। सर गैंग रेप, रेप हाँ, गैंग रेप की बात कह रहा हूं। जेसिका लाल मर्डर कांड क्या हुआ था, वो इस देश की लड़की नहीं थी। आरुषी का, वो इस देश की लड़की नहीं थी। नैना साहनी, नैना साहनी को काटा गया, लड़की, इस देश की लड़की, दिल्ली की लड़की, काटा गया उसे, काट के तंदूर में डाला गया, भूना गया, जलाया गया उसे। वो नहीं थी इस देश की लड़की, वो भी किसी देश की लड़की थी। क्या वो इस देश की बेटी नहीं थी? हाँ, वो इस देश की बेटी थी, वो इस माँ की भी बेटी थी, लेकिन उस माँ को फंडिंग नहीं हो पा रही थी। ना नैना साहनी की माँ को फंडिंग हुई, ना जेसिका लाल की माँ, मतलब सर आप कहना चाहते हैं फंडिंग वजह से ये सारा फंडिंग से चलाया जा रहा है, पूरा सिस्टम को फंडिंग से चलाया जा रहा है, क्योंकि फंड आना बंद हो जाएगा, उन्हें आगे भी फंड लेना है, अभी भी फंड लेना है, फांसी लगाने के बाद पूरे देश दे रहा है, पूरी दुनिया दे रही है, सब फंडिंग। पायलट बन गया लड़का, एमबीबीएस बन गया, कोठी बन गई, कहां था पहला का स्तर, अब का स्तर देखिए, ये साफ दिख रहा है। आप फांसी की बात कर रहे हैं क्या? जेसिका लाल में फांसी हुई क्या? नैना साहनी तंदूर कांड में फांसी हुई? और उससे बड़ी बात निठारी कांड, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, अपनी माओ के बच्चे कहां से उठाए गए, किडनैप किए गए, और पूरा कमरा, बेसमेंट भरा हुआ था उन बच्चों के कंकाल से, उन बच्चों के मांस को खाया गया, कच्चा खाया गया, पक्का खाया गया, उनका खून पिया गया, उनकी किडनी, लीवर खाए गए, उनकी क्या क्या चीजें खाई गई, क्या उसमें फांसी हुई? मीडिया फांसी दिला पाई? नहीं। नैना साहनी, जेसिका लाल, अरुषि कांड और निठारी कांड, सब में राजनीतिक लोग शामिल थे, राजनीतिक लोगों का वरदहस्त उन्हें मिला हुआ था, राजनीतिक संरक्षण में सारे चल रहे थे, इसलिए उनमें फांसी नहीं हुई। और ये दलित हैं, मुकेश और राम सिंह दलित हैं, लेकिन ये किसी दलित वोट बैंक के लोग नहीं हैं, ये वोट बैंक के लोग नहीं। यहां वोट बैंक वाले को बचाया जाता है, और जो बिना वोट बैंक वाला हो, जो भाषावाद ना हो, जिसमें जातिवाद ना हो, जिसमें क्षेत्रवाद ना हो, जिसमें संप्रदायवाद ना हो, और जिसमें धर्म की तो बात ही ना हो, क्योंकि यहां धर्म की अगर बात हो जाएगी तो एक लॉबी आएगी धर्म के नाम पर बचाने की, अगर जाति की बात हो जाएगी एक लॉबी आएगी जाति के नाम पर बचाने की, अगर क्षेत्र की बात होगी तो एक पूरा संगठनों का समूह आएगा कि हमारे क्षेत्र का है, हमारे इलाके का है, हम इसे बचाएंगे। बेद सिंह हत्याकांड हुआ, रांझौदा जो पंजाब का था उसने मारा था, उसको फांसी से बचाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिले आके कि फांसी की सजा नहीं दीजिए, वो हत्याएं नहीं है, वो हमारे देश की बेटियां नहीं है। तंदूर कांड जघन्य नहीं था, रेयर नहीं था, ब्रूटलतम नहीं था, क्रूरता की हद नहीं पार की थी, बच्चों को काट काट के, आप इसमें 16.5 साल के बच्चे को, पवन कुमार गुप्ता को फांसी देने की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और वो बच्चे जो काट काट के खाए गए वो बच्चे नहीं थे। लेकिन सर निर्भया की माँ अभी आपके ऊपर कुछ दिन पहले आरोप भी लगा रही थी कि आपको भी बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, इस वजह से आप उन लोगों को बचा रहे हैं। बताएं ना कौन पैसा दे रहा है, उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने पैसे भेजे हैं। 8x8 की झुग्गी में विनय रहता है, पता है ना, पवन की स्थिति पता है, मुकेश का पता है, किस तरह से राम सिंह को जेल में मार दिया गया, उस समय कहा गया आत्महत्या, आज राम सिंह की हत्या की बातें लोग चीख चीख के कह रहे हैं, अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि राम सिंह की हत्या हुई थी, अभिनंदन पांडे ने पैसे लिए थे, मीडिया का एक ग्रुप कह रहा है इस बात को कि स्टिंग ऑपरेशन है, हमने उस समय स्टिंग 2013 में नहीं चलाया था, हमारी टीआरपी बढ़ सकती थी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़ सकते थे, नाम हो सकता था, शोहरत बढ़ सकती थी, लेकिन हमने वो नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि वकीलों, बचाव पक्ष के वकीलों को ना फायदा मिल जाए, मुलजिमों को ना फायदा मिल जाए, मीडिया का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, मानता हूं मीडिया आज के समय में सत्ता बदल देती है, सरकार बदल देती है, चुनाव जितवा देती है, सरकारों को पलट देती है, लेकिन मीडिया का ये मतलब नहीं है कि निर्दोष लोगों को फांसी पर चढ़वाने में अपनी भूमिका निभाएगी। और इसमें मीडिया ट्रायल हुआ, पब्लिक पॉलिटिकल प्रेशर सेंटीमेंट बनाए मीडिया ने, और आज तक वो बने हुए। डिसीजन हो कैसे अच्छा, हो ही नहीं सकता, कोर्ट लगने से पहले ही पूरा हॉल, पूरी कोर्ट मीडिया से भर जाती है, किस लिए डिसीजन होगा अच्छा? फैसला हो सकता है लेकिन न्याय नहीं हो रहा है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कदम कदम पे इस केस में हो रहा है। सर मैं यही लास्ट क्वेश्चन आपसे कि ये इतने दावपेच जो आपके हैं, ये अपराधियों के हौसले और बुलंद नहीं करेंगे? कभी नहीं। क्यों सर? ये मैं बता, बिल्कुल, दहेज हत्या में फांसी है,
मर्डर में फांसी है ना हमारे भारत के आईपीसी में है ना कानून में, क्या मर्डर रुक गए? क्या मर्डर में फांसी है ना, तो क्या माओवादी संगठनों ने छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, रांची, मध्य प्रदेश के हिस्सों में माओवादी संगठनों में हमारे देश के सीआईएसएफ, पीएसएफ, आरपीएफ, आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस, झारखंड पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस के लोगों को, अधिकारियों को बम से उड़ाना, डायनामाइट से उड़ाना, सड़कें बिछते समय ही बम उनमें दबा देना, अधिकारियों के चिथड़े उड़ा देना बंद किया क्या? नहीं किया, सजा तो है ना। क्या राजीव गांधी के समय कानून में नहीं था कि हत्या में फांसी है? क्या राजीव गांधी जब दिल्ली से गए होंगे वहां के लिए साउथ दौरे पे, तो क्या एक अच्छा पुच्छा दिखने वाला जवान, ऐसा युवक, ऐसा देश के महान विभूति जब वहां से वापस आया तो पैरों पे नहीं चल गया, उसकी लाश के चिथड़े बोरी में भर के आए थे, बोरी में भर के रखे गए थे? उस सोनिया गांधी से पूछिए, उस प्रियंका से पूछिए, उस राहुल से पूछिए, कितना उन्होंने दिल में रखा और उसके दोषियों को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वह तमिलनाडु की राजनीति को परिवर्तित करने वाला था मामला, इसलिए वहां उसे माफी दी गई, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित थी। लिट्टे थे, लिट्टे इतने नरसंहार करते हैं, कभी लिट्टे के किसी आदमी को फांसी हुई, किसी माओवादी को फांसी हुई? जम्मू कश्मीर में सिर काट लिए जाते हैं हमारे, सिर काट लिए जाते हैं हमारे सैनिकों के, आर्मी के लोगों के, हमारी महिलाएं विधवाएं उनके आधे अधूरे शरीर को लेके मुखाग्नि देते हैं, सिर मिलते ही नहीं उनके, उनमें से किसी को फांसी दी गई? पुलवामा कांड में इतने हमारे देश की महिलाएं विधवा हो गई, इतनी बहनों की राखियां रक्षाबंधन और भैया दूज छूट गया, इतने बूढ़े माँ बाप के सहारे छूट गए, इतने भाइयों के भाई मारे गए, इतने बच्चों के बाप मारे गए, किसी को फांसी देने की बात आई? आप नहीं उन्हें दिला सकते हैं फांसी, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात आती है, वो राजनीति की बात आती है, वो जम्मू कश्मीर की बात आती है, सरकारों के इर्द गिर्द की बात आती है, सत्ता उसमें शामिल हो जाती है, केवल इनकी फांसी की बात होगी, क्योंकि ये गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, कम उम्र के हैं। देखिए जस्टिस कुरियन जोसेफ सीनियर मोस्ट जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि निर्भया के दोषियों की उम्र कम है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं सब माफ कर देना चाहिए। देखिए फांसी दिलाने का जो आनंद है ना, विक्टिम की मदर हो या मीडिया हो, ये 4-5 दिन रहेगा। बदले का भाव, आप याद रखिए, बदला लेने का भाव सिर्फ कुछ दिन रहता है, लेकिन माफ करने की जो संतुष्टि मिलती है, जो आत्मा में शांति मिलती है, वो जीवन पर्यंत चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। मतलब सर आप फांसी नहीं होने देंगे? फांसी मैं कोई ना तो, देखिए मैं परमात्मा नहीं हूं, नारायण साकार नहीं हूं, मैं कोई सतलोक का जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई सदगुरु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, संत रामपाल दास। अड़चने आप ही डाल रहे हैं, बार बार तीसरी बार लटक गया फांसी। मैं ऐसा कुछ नहीं, ना अमराज हूँ, ना जीवन देने वाला हूँ, मैं तो एक एडवोकेट हूँ, अपने प्रोफेशन को कर रहा हूँ अपनी। हाँ, इस केस में ये अवश्य हुआ, मैंने मेहनत की, मैं काम चोर नहीं, और मेहनत की वजह से ही मैंने अपने जीवन में, आपको बताऊं, 225 के करीब इंटर्न से लेके जो एडवोकेट बनते हैं सीखते, वहां से लेकर आगे बढ़ाने तक उन्हें 225 को सिखाया, और उनमें से 25 तो जुडिशियल ऑफिसर बने हुए, कई मजिस्ट्रेट हैं, कई सेशन जो पूरे देश में है वो सब हैं, लेकिन हमने अब मेहनत करना सीखा है, मेहनत करना सिखाया है सबको, इसीलिए वो उस पद पर तक पहुंचे हैं। और मेहनत करने में कसर नहीं छोड़नी चाहिए क्लाइंट के लिए, जब तक क्लाइंट के परिवार वाले और क्लाइंट हम पर भरोसा करता रहेगा, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, और हर एडवोकेट को लड़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, रातों रात भारत के संविधान में खोजना चाहिए, सीआरपीसी को पढ़ना चाहिए, गढ़ना चाहिए, मन में मनना चाहिए, और पढ़ाना चाहिए, गढ़ाना चाहिए, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कोर्ट को, चाहे कोर्ट बाद में ये तक कह दे कि एपी सिंह जी आप आग से खेल रहे हैं, आग से मत खेलिए, ऐसे भी कह दे, कमेंट कर दे, कोर्ट चाहे फाइन कर दे, कोर्ट चाहे कुछ भी कर दे, कोर्ट तो कोर्ट है, कोर्ट की बात का क्या बुरा मानना, लेकिन अपने मन में आपको रखना पड़ेगा कि जब वो कहेंगे कि आग से मत खेलिए, तो उन्हें आपको बताना पड़ेगा भारत के संविधान को पढ़ के कि नहीं, मैं फायर ब्रिगेड हूं, मेरे पास पानी भी है, मेरे पास आग बुझाने की गैस भी है, मेरे पास हर तरह की आग बुझाने का साधन यहां है, वकालत में हमें मिला है, हम उस हर साधन का प्रयोग करेंगे, चाहे आप उसे आग से खेलना कहें, चाहे आप उसे जीवन लेना कहें। याद रखिएगा, जीवन बचाने वाले का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, किसने जीवन बचाने का
प्रयास किया, जीवन बचाया। मारने वाले का जुडिशियल किलिंग होगी, फांसी की सजा जुडिशियल किलिंग है। और इसी वजह से ह्यूमन राइट्स आप देख रहे हैं पूरे देश में इस समय मानवाधिकारों के संगठन, क्षत्रिय समाज, कितने कितने संगठन, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, कितने राजनीतिक संगठन, कितने सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। पटियाला हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देशों के हाई कोर्ट्स में, सब जगह राष्ट्रपति भवन में एक बोरी लगभग रोज डाक जाती है निर्भया केस से संबंधित। क्या लिखते हैं लोग कि देश के महामान्य राष्ट्रपति महोदय मुझे बताते हैं, मुझे कॉपी भेजते हैं कि आप अपनी गरिमा को समझिए, आप राष्ट्रपति भवन की गरिमा को समझिए, आप कहीं कोई ऐसा कार्य मत कर देना जैसे पवन जैसे 16 साल के बच्चे को फांसी की सजा का आदेश मत कर देना, जिससे कहीं देश का महामान्य राष्ट्रपति भवन, ये संवैधानिक पद है, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय, मैं इनके आगे जब निकलता हूं नतमस्तक करता हूं। 23 साल से तो मैं सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट लाइफ टाइम मेंबर हूं, जब मैं एडवोकेट नहीं था तब भी मैं इन संस्थाओं को नमन करता था, वहां खड़े होकर सैल्यूट करता था कि हमारे भारत का गौरव है, ये संविधान है, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, गुरुद्वारा सबसे बड़ी संस्थान है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं उन पे दाग न लग जाए, उन पे काला टीका न लग जाए, इतिहास में काला टीका न लगा रह जाए, इसलिए हम चाहते हैं 5 जस्टिस जो सुनते हैं इसको, उनसे भी अनुरोध करते हैं, ट्रिपल बेंच से भी अनुरोध करते हैं, ट्रायल कोर्ट से भी अनुरोध करते हैं, देश के महामहिम से भी अनुरोध करते हैं, और खासकर मीडिया बंधुओं से तो मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। क्यों? क्योंकि मीडिया की कंपैरिजन जो है ना, होड़ है ना, कंपटीशन इन 4 अभियुक्तों से लग गई है, इनका और मीडिया का कोई मेल नहीं, ये बहुत गरीब है, आप इनसे अपनी होड़ मत लगाइए, आप ये जिद मत चलिए कि मीडिया, देश की मीडिया, विदेश की मीडिया इनको फांसी करा के ही रहेगी। आपका इनका मीडिया कोई फांसी नहीं कराती है, वो आपका संविधान कर चुका है कि वो दोषी है। आप देखिए, आप बचा रहे हैं सर। आप ये बताइए मुझे, इस केस के अलावा दिल्ली में 2012 से अब तक कितने गैंग रेप हुए, कितने मर्डर हुए, आप बता दो आंकड़ा। सर मीडिया नहीं आंकड़े, किसी भी अपराधी का, किसी भी आरोपी का केस लड़ने नहीं जाता, वो एडवोकेट ही लड़ते हैं। आपके पास आंकड़े नहीं, अगर आपके पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास आंकड़े हैं, उनके पास आंकड़े नहीं है, जो देश के संसद में बोलते हैं ना निर्भया केस, वो जब अखबार में सुबह पढ़ते हैं निर्भया हेडलाइन है, ओके अखबार ले चलो संसद, वहीं हिला दो अखबार को, निर्भया केस, निर्भया केस। उन सांसदों से जो संविधान की शपथ खा के बैठे हैं, उन संविधान में निर्माता जो संस्थान के सिस्टम है के अंग हैं, जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, वो वहां जाके निर्भया की सिर्फ बात करते हैं, और अपने क्षेत्र जहां से वो चुन के आए हैं, जहां के प्रतिनिधि हैं, वहां का उन्हें नहीं पता होता उस दिन का, कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, कितने पॉक्सो केस लगे, कितनी नन्ही 8 साल 9 साल की बच्चियों के साथ SC ST लट लगने के बाद उनकी हत्या कर दी गई, काट दी गई, मार दी गई, उन्हें अपने के संसदीय क्षेत्र का नहीं पता, विधायकों का अपने विधानसभा क्षेत्र का नहीं पता, सिर्फ उन्हें निर्भया का पता रखता है, निर्भया सुर्खियां हैं, निर्भया हेडलाइन है, निर्भया के लिए रोया जाएगा, निर्भया के लिए पीटा जाएगा, और यहां तक कह दिया जाएगा कि हैदराबाद की घटना बहुत अच्छी हो गई, अब सबको ऐसे ही मार देना चाहिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान की आपने शपथ ली और भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात आप कर रहे हैं। लॉ कॉलेज बंद कर दीजिए, पुलिस को ही सारी पावर दे दीजिए, कोर्ट को बंद कर दीजिए, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बंद करो, मैं तो कहता हूं बंद करो, आप बंद करो, और हैदराबाद जैसा कांड हर पुलिस वाले अधिकारी को दे दो, लेकिन उसमें सिर्फ हैदराबाद के गरीब नहीं आएंगे, उसमें सांसदों, मिनिस्टरों, सबके लोग भी शामिल होंगे, वो भी मारे जाएंगे पुलिस के द्वारा, तब न्याय की आप बात करिए, गरीबों को मार के आप न्याय की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो संसद में बैठे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा लोगों को, ये बात लोगों के समझ में आ रही है, लोग कितने हमें फोन करते हैं, कितना इस बात को कहते हैं, दबी जुबान से सब कोई बोलता है, सामने बोलने में कुछ लोग हिचकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, ये चल रहा है प्रोसेस, लेकिन इन सब आधारों पे आप अगर फांसी दे देंगे, आपके पास सत्ता है, आपके पास सरकार है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास आग है, आप कह रहे हैं कि आग से मत खेलिए, आपके पास जलती ही भट्टियां हैं, लेकिन एक दिन याद रखिए,
देश के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर इस केस के ट्रायल कोर्ट के चपरासी तक सब सच्चाई बोलेंगे और चीख चीख कर बोलेंगे कि निर्भया केस के दोषी झूठे फंसाए गए, झूठी फांसी दी गई, गलत फांसी दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। बाद में लोग आर्टिकल लिखेंगे, किताबें लिखेंगे, सेमिनार करेंगे, सब बोलेंगे, लेकिन तब पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं बचेगा।